friends, welcome to my YouTube channel. Are you looking for nursery syllabus in India? If yes, then you have come to the right channel. जी हाँ, मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको नर्सरी क्लास के कंप्लीट सिलेबस विच इज बेस्ड ऑन CBSE, ISE, कैम्ब्रिज, IB, ICSE, SSC. जैसा कि आप देख सक रहे हैं, नर्सरी क्लासेस या प्री प्राइमरी क्लासेस में ये चार सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही होती है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, GK जिसे कि जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कहते हैं, साथ में आर्ट क्लास या क्राफ्ट क्लास भी होता है. इंग्लिश क्लासेस में लिखने से पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें स्टैंडिंग लाइन होते हैं जो कि खड़ी लाइनें होती हैं. इनका यूज बी लिखने से पहले या डी लिखने से पहले, एफ लिखने से पहले, ई लिखने से पहले होता है. उसके बाद स्लिपिंग लाइंस, ये हुई स्लिपिंग लाइंस. इसका यूज जब आप ए लिख रहे हो तो उसके बीच में ये इस तरह से ये स्लिपिंग लाइंस हो गए. इसी तरह आप जब टी लिख रहे हो तो ये स्लिपिंग लाइंस हो गए. उसके बाद जब आई लिख रहे हो तो ये स्लिपिंग लाइंस के यूज होते हैं. उसके बाद लेफ्ट स्लैंटिंग और राइट स्लैंटिंग, इस तरह से इनका यूज ए बनाने में. उसके बाद आप जब वाई लिख रहे हो तब जेड, ये एम, ये बीच के स्लैंडिंग लाइंस बी, इस तरह से लेफ्ट कर्व और राइट कर्व, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व. तो ये कर्व्स सी लिखने के काम आते हैं, ये कर्व्स डी लिखने के काम आते हैं. अप कर्व्स और डाउन कर्व्स, ये ए लिखने के भी काम आते हैं और यू लिखने के भी काम आते हैं, वी लिखने के भी काम आते हैं और ये यू लिखने के काम आते हैं. फिर लेटर्स लिखने आते हैं, जैसे ए टू जेड कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ए टू जेड सिखाए जाएंगे. फिर आइडेंटिफिकेशन सिखाए, ए, ए फॉर एप्पल, इस तरह से ए फॉर आंट, इस तरह से बी फॉर बॉल. फिर ट्रेसिंग सिखाया जाते हैं, ट्रेसिंग में डॉटेड डॉटेड दिए रहते हैं और फिर बच्चे को उसके ऊपर चलाना होता है. ऐसे डॉट्स दिए रहते हैं और बच्चे को इस डॉट्स को मिलाकर लेटर्स सीखने होते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, आपको कोई फिगर दे देंगे बच्चों को और फिर बोलेंगे इससे रिलेट करो, जैसे फ्लावर लिखा है या फिर ऐप लिखा है तो फ्लावर किस लेटर से शुरू होता है, ऐप से, तो उससे बच्चे को रिलेट करना होता है. बी फॉर बॉल इस तरह से, एफ फॉर फिश इस तरह से रिलेट करना. उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें आई एम ए गर्ल या आई एम ए बॉय, इस तरह से. उसके बाद मैं किस क्लास में हूँ, आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी और प्री प्राइमरी. उसके बाद आगे के क्लासेस में एल क्लासेस, एल के जी और यू के जी में दिस दैट ही सी वगैरह वगैरह, दिस दोज, इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है. फिर वोकैबलरी बिल्डिंग के में आपको फैमिली के बारे में, होम, फादर, मदर, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है. जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, सिस्टर, कज़न, ब्रदर, अंकल, आंटी, ये सब. इसी तरह हिंदी में लिखने से पहले पूर्व लेखन स्ट्रोक, जिसमें कि खड़ी लाइनें, सीधी लाइनें, तिरछी लाइनें, और इसी तरह खड़ी लाइनें ये हो गई, ये हो गई खड़ी लाइनें, ये हो गई सीधी लाइनें, ये तिरछी लाइनें, अर्ध गोलाकार में, गोलाकार में. उसके बाद अ से लेकर अह तक जो स्वर है, क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन है. फिर दो अक्षर वाले शब्द जैसे क, र, कर, च, ल, चल, म, त, मत, इस तरह से सिखाए जाते हैं. जब इंग्लिश के जो क्लासेस होते हैं उसमें जो स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, सेम स्ट्रोक का यूज हिंदी क्लासेस में हो जाता है. जैसे उसमें स्टैंडिंग लाइन है तो जब आप कॉ लिख रहे हैं तो स्टैंडिंग लाइन यूज किया, जब आपने कर्व यूज किया तो आपने ये कर्व यूज किया कॉ के लिए, फिर आपने डाउन कर्व यूज किया ये कॉ. तो बच्चों को जो स्ट्रोक्स है वो बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे हिंदी और इंग्लिश को भी कवर कर ले, न सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को भी कवर करे बल्कि वो मैथ में भी ये स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा काम आते हैं. जैसे मैं अभी मैथ का सिलेबस बता रही हूँ तो उसमें मैं बता रही हूँ, ये जैसे मैथ्स में नंबर राइटिंग जो होता है 1, 2, 3, 4,
प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4 जब आप जब आपने स्ट्रोक सिखाया बच्चों को तो उसमें आपने स्टैंडिंग लाइन 1 के लिए, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन इस तरह से आपने यूज़ किया, फिर आपने कर्व्स में ये कर्व्स यूज़ किया जो राइट कर्व है, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन 2 बनाया, उसके बाद फिर इसी तरह से आपने स्लिपिंग लाइन यूज़ किया, फिर स्लैंटिंग लाइन यूज़ करके फिर आपने कर्व बनाया, फिर आपने वो 4 लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और ये फिर स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से स्ट्रोक का मैथ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए जब बच्चों को स्ट्रोक सिखाया जाता है तो बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए, और उनको स्ट्रोक के नाम अगर याद करा दिया जाए तो जब आप उसे किसी नंबर को या किसी अक्षर को या किसी लेटर को लिखने के लिए बोलेंगे तो वो उस आप जब स्ट्रोक्स का नाम लेंगे तो वो बहुत अच्छा से लिख पाएगा। उसके बाद आता है सेम और डिफरेंस बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे कुछ पहचानने के लिए उनको दिया जाता है, जैसे कुछ चित्र दे दिए गए और उसमें कहेंगे कौन कौन सा सेम है और फिर कौन सा डिफरेंट है, तो जैसे ये सारे सेम है और ये फ्लावर डिफरेंट हो गए, स्टार सेम है, मून डिफरेंट हो गए। उसके बाद बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल में आप कुछ बड़ी चीज़ें होती है कुछ छोटी चीज़ें, तो बच्चों को ये रिकॉग्नाइज कराया जाता है कि कोई कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़, इससे बच्चों की जो समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती। जैसे ये बॉक्स बड़ी बिग है और ये बॉक्स स्मॉल है, ये फ्लावर बड़ा है और ये फ्लावर स्मॉल है। इसी प्रकार टॉल और शॉर्ट में, जैसे ये झंडा बड़ा है, टॉल है, लंबा है और ये छोटा है। उसके बाद ये ट्री टॉल है, ये ट्री स्मॉल है, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद मोर और लेस में, जैसे दो बॉक्सेस दिए जाएंगे और उसमें कुछ फिगर्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो बच्चे इसे काउंट करके फिर बताएंगे ये मोर है, ये लेस है, इसी तरह यहाँ भी मोर है और ये लेस है और ये मोर है, इस तरह बच्चों को पहचानना सिखाया जाता है। हेवी और लाइट, इस तरह से बच्चों हेवी और लाइट, जैसे क्या अधिक किसका अधिक वजन है और किसका कम वजन है, इस तरह पहचानना सिखाया। इस तरह से ये लाइट है, ये लाइट वेट है और ये हैवी है, इस तरह बच्चों को पहचानने सिखाया जाता है। और फिर इस तरह फुल और एम्प्टी, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है, ये भरा हुआ ग्लास है और ये खाली है, तो ये भी सिखाया जाता है फुल और एम्प्टी। इसी तरह नंबर्स के बारे में 1 to 20 और फिर LKG आगे 1 to 100 और उसके बाद LKG और UKG में, इसी तरह नंबर को आगे बढ़ाया जाता है 100 से 200 तक काउंट किया जाता है। फिर ट्रेसिंग सिखाई जाती है, ट्रेसिंग में आपको ऐसे डॉटेड लाइन दिए जाते हैं और जिसके ऊपर बच्चा ऐसे इस डॉट्स को मिलाकर नंबर्स लिखना सीखता है। आइडेंटिफिकेशन में, इसमें नंबर्स दिए रहते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और फिर उसमें किसी बॉक्स में अलग से नंबर दिया रहेगा 1 और फिर कहेंगे इसमें से कौन सही है पहचानो, या फिर इस तरह से एक बॉक्स बना दिए जाएंगे और इसमें 3 एक सही लिख गया, फिर ऐसे और इस तरह से, अब इसमें से आपको बोला जाएगा जो सही नंबर है उसको सर्कल करने के लिए। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर नंबर के वैल्यू भी सिखाए जाते हैं नर्सरी क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा नहीं सिखाए जाते हैं पर LKG UKG में, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या प्लेस वैल्यू है नंबर का, जैसे ये 9 है तो ये इसका वैल्यू 0 है और इस तरह ये 2 है, 20 इस तरह से 29 हुआ, इस तरह से उनको कुछ सिखाया जाता है जो कि नंबर किस प्लेस पे क्या नंबर है और उसको क्या बोलेंगे ऐसे, जैसे ये तो सिर्फ 9 बोलेंगे लेकिन ये दोनों को मिलाकर 29 बोलेंगे, तो इस तरह से बच्चों को सिखा। अब सीक्वेंसिंग जो होता है फ्रॉम 1 to 20, 1 to 50, तो बच्चों को लिख दिया जाता है 1, 2, 3, 4 और उसके बाद फिर पूछा जाता है इसमें से पहले कौन आ रहा, फर्स्ट नंबर कौन है, नेक्स्ट नंबर कौन है, इसी तरह 9, 10, 11 और इस तरह लिख के ये इसमें से पहले कौन आएगा, फिर 10 का फिर नेक्स्ट क्या है, इस तरह से उनको सिक्वेंस नंबर का बताया जाता है। फिर काउंट और मैच करना सिखाया जाता है, जैसे यहाँ 3 फ्लावर दिए हैं, 3 ट्रायंगल है और यहाँ पे कुछ 5 फिगर्स है, अब इसने नंबर लिखा हुआ है तो इसको मैच करना है, तो बच्चे इस तरह से मैच करेंगे, ये 3 तो इससे मैच करेंगे, 4 है इससे मैच करेंगे और ये इस तरह से वो काउंट करके मैच करना सिखाया जाता है। फिर काउंट एंड सर्किल, अब यहाँ 2 फिगर्स है, यहाँ 3 फिगर है, यहाँ 1 फिगर है और बॉक्सेस में नंबर डाले हुए हैं, तो अब बच्चे को ये काउंट करना है और उसके बाद फिगर सर्किल करना है, तो इस तरह
बच्चे की काउंटिंग सीख जो काउंट सीख नंबरिंग का जो काउंट सीखता है वो बच्चा उसके लिए इजी हो जाता है सीखना। इस तरह से ये तीन और ये फिर इस तरह से, उसके बाद काउंट और कलर कुछ फिगर्स दिए जाते हैं और फिर उसके सामने नंबर लिख दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि उसको कलर करो। जैसे 2 नंबर लिखा हुआ और यहाँ पे ये फिगर्स दिए हुए तो 2 नंबर को कलर करना है, 2 ही फिगर्स को कलर करना है। इसी तरह यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही फिगर्स को कलर करना है। आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, बच्चे राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। फिर शेप सिखाया जाता है बच्चों को, सर्कल, ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल, LKG और UKG में पेंटागोनल और ये सब भी सिखाया जाता है। फिर बच्चों को कलर्स सिखाए जाते हैं, रेड, येलो, ब्लू, जो भी कलर प्राइमरी कलर्स है और जो भी सेकेंडरी कलर्स है उसके बारे में सिखाए जाते हैं। ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट, ये सारे कलर्स भी उनको रिकॉग्नाइज कराए। अब जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बताया जाता है बच्चों को, जैसे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ तो आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय। उसी तरह बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, इस तरह फिगर के मदद से बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जा सकता जाता है, हेयर, हेड, आई और इस तरह नोज, ETC वगैरह। माई फैमिली में जैसे मैंने बताया मदर, फादर, ग्रैंड मदर, फादर, रिलेशन जो भी है उनके बारे में बताया जाता है। माई होम, वो कहाँ रहते हैं, आई एम इन गोमो और सॉरी आई एम इन दिल्ली और आई एम इन धनबाद और आई एम इन मुंबई और आई एम इन कोलकाता, जहाँ भी वो। उसके बाद स्कूल के नाम बताए जाते हैं, जैसे कि जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, DPS में पढ़ रहा है, डिनोबली में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, वो सारे बार केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो सब बच्चे को नाम बताए। फिर बच्चे को सीजन की जानकारी दी जाती है, समर, रेनी, विंटर, ETC वगैरह। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताया जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। इस तरह बच्चों को चार्ट की मदद से सिखाया जाता है। स्कूल में एक कुछ दे दिया जाता है, कार है, एरोप्लेन है, स्कूटर है, तो ये फिर बताया जाता है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है। जैसे एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट हुआ, कार रोड ट्रांसपोर्ट हुआ और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके बाद सिप है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। फिर वेजिटेबल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, इस तरह बताए जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी कुछ कुछ बताया जाता है उसे, जैसे कि यूज़ ऑफ डस्टबिन। क्लास में कोई भी बच्चे पेंसिल अगर शार्प करते हैं तो सारे पेंसिल जितने भी किए वो सब बिखेर देते हैं, या कागज़ का टुकड़ा हो तो फिर उसको बताया जाता है कि ये सारे डस्टबिन में डालो। गुड ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाने के पहले हाथ साफ कर लिया जाता है, इस तरह से। फिर ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट्स, येलो लाइट्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद सेइंग टू जंक फूड, जैसे कि जितने भी आजकल मैगी, बच्चे ज़्यादा मैगी खाना पसंद करते हैं या फिर ब्रेड्स, तो उनको जंक फूड नहीं खाना है, ऐसा सिखाया जाता है। हाइजीन के बारे में बताया जाता है, साफ़ सुथरा रहने के लिए ये सारे उनको गुड हैबिट्स सिखाए जाते। इसके बाद आता है अदर एक्टिविटीज़, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्टोरी टेलिंग बुक्स में स्टोरी दिए रहते हैं, फिर पिक्चर रीडिंग, पिक्चर्स दिए रहते हैं और उस पर कुछ लिखा रहता है उसके साथ, तो वो स्टोरी रीडिंग करना पड़ता है, उन्हें पिक्चर के द्वारा रीड कराया जाता है। फिर राइम्स, बच्चों को राइम्स भी बताए जाते हैं, जैसे पिक्चर रीडिंग में आई एम रवि, इस तरह एक पिक्चर दे दिया जाता है और उसके बगल में कुछ लिख दिया जाता है और फिर बच्चों को इस तरह से बताया जाता है, जैसे आई एम रवि, दिस इज़ माय फैमिली, माय फैमिली इज स्मॉल, इस तरह से बच्चों को पिक्चर रीडिंग कराया। और राइम्स में इस तरह से 10 लिटिल फिंगर्स या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इस तरह से राइम्स रीडिंग कराया। फिर बच्चों को वेलकम कार्ड्स बनाने सिखाया जाता है, छोटे छोटे ये क्राफ्ट के काम आते हैं, जो बच्चों को कुछ कुछ स्कूल में बनाने सिखाया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटी है वो सामने खुलकर आए। उसके बाद डिस्प्लेइंग फैमिली पिक्चर इन बुक्स के पहले पेज में बच्चों को दिया, वो बोला जाता है कि आप अपने फैमिली सारे के नाम लिखे रहते हैं, जैसे मदर्स, फादर, सिस्टर और जो कुछ भी है, तो उनके सामने उन सब के पिक्चर्स लगाने होते हैं। उसके बाद बच्चों को गेम एक्टिविटीज़ में जो भी अवेलेबल होता है स्कूल में वो गेम्स कराए जाते हैं।
उसके बाद आर्ट और क्राफ्ट क्लास है, उसमें फ्रूट्स बनाने सिखाए बताए जाते हैं, फ्लावर्स बनाने, ट्रीज बनाने, हाउसेस बनाने, और उनको फिर कलर करने दिया जाता है। तो इससे बच्चे के जो भी बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ है या जो भी उसके अंदर स्किल्स है वो सामने खुलकर आते हैं, और बच्चे का इस तरह स्कूल जाने में भी मन लगता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। तो ये थे नर्सरी क्लासेस, प्री प्राइमरी क्लासेस के कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपको बताया। हाँ, वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने ये पूरा डिटेल में बताया ताकि पेरेंट्स को, और न सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि जो उनके टीचर्स होते हैं वो, उनको भी पूरे डिटेल में पता हो। और पेरेंट्स को अगर ये सिलेबस के बारे में पता होता है तो वो पूरे अच्छी तरह से अपने बच्चे को समझा और पढ़ा सकते हैं, वो इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाकर पूरी अच्छी तरह से जो भी स्कूल में पढ़ाई हो उसे कवर कर ले। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब है, इसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी सोशल किड्स में जितने भी बच्चों से रिलेटेड अपडेट्स है वो आपको ज़रूर मिलता रहे। आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे तो उसका रंग काला हो जाएगा, और फिर प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।